हेलो, मेरा नाम उर्मिला, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अभी आज हम कलेक्ट्रेट गार्डन के पास आए हुए हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहाँ पे माना एयरपोर्ट के पास नकटी गांव है। वहाँ पे लोग अपनी जमीनी मुद्दा को लेके कलेक्टर के पास आए हुए हैं। सुनते हैं उनकी क्या मुद्दा है और क्या क्या दिक्कतें हैं वहाँ पे, बताइए दीदी, क्या दिक्कतें हो रहा है वहाँ पे? हमारे समानपुर नकटी गाँव में मकान को तोड़ने फोड़ने के लिए पांच छह ठो कार में जाते हैं दोपहर के टाइम। कौन जाते हैं? बाहर के। कौन बाहर के? पूछे नहीं है उनसे कि कौन है वो? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। हाँ, आधा लोग रहते हैं, आधा लोग काम में चले जाते हैं और धमकी देते हैं कि बर्तन खाली करो, कल के रेट में खाली कर देना, नेट फिर सबको तोड़ फोड़ देंगे, ऐसे की धमकी देते और खाली नहीं करेंगे तो आएगी थे सबको अंदर करवा दूंगा ऐसे ही के। हाँ, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम गुलाची साहू। कहाँ से हो? सम्मानपुर नकटी। हाँ, सम्मानपुर नकटी। सम्मानपुर नकटी। क्या क्यों आए हुए यहाँ पे आप लोग? यहाँ पे हम हमारी समस्या लेकर आए हैं जोर से कि वहाँ के लोग जाते हैं, अधिकारी लोग, यहाँ के विधायक भी गए थे कल परसों। कहाँ कहाँ गए थे? हमारे पारा गए थे वृंदावन भाटा पारा में। हाँ। लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ खाली करो वरना सबको अंदर भी करा देंगे। कौन बोल रहा था? थे अधिकारी लोग गए थे। कौन अधिकारी? कोतवाल भी गए थे, पटवारी भी गए थे, दो चार पुलिस वाले भी गए थे साथ में। हाँ, लेकिन बोल रहे थे कि खाली करो, यहाँ मकान बनेगा या कॉलोनी बनेगा, विधायक का बने घर बनेगा, ऐसे करके बोल रहे थे। इसलिए हम आप लोगों के जमीन का पट्टा है वहाँ से? हमारे जमीन का पट्टा है बोलते हैं पूर्वज लोग, लेकिन वो किसी के पास है हम लोग को अभी पता नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग को जरूर इतना पता है कि कोई ना कोई वो पकड़े हैं। तो पट्टा नहीं है तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन पट्टा है तभी तो पता है मैडम कि छप्पन कर है करके। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि हम लोग गांव का हैं, बाहर का रहते तो चल बाहर का ला के बसाए हुए हैं कि बोलते हैं। हम लोग तो सब गांव के ही हैं। सरपंच क्या बोल के आपके गांव? सरपंच तो हम लोग अभी आए थे तो बोल दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा करके। क्या चीज में साइन नहीं करूंगा बोले? जो यहां कलेक्टर आने के लिए बोला था ना, विधायक आने के लिए बोला था, तो वो वार्ड के पंच लोग भी पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, अंदर में जाकर बातें किया, वहाँ विधायक के यहाँ गए थे तो हम लोग को पता नहीं। वो लोग तो दो चार लोग बात करो फिर बाकी लोग मुंह बंद करके रहो, इससे कहीं कोई से। तो क्या चाहते हैं अभी आप लोग? वो लोग की कोई सुने रहे तो यहाँ कलेक्टर के पास आए हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनी नहीं चाहिए। हमारा घर जैसा भी है, अपना घर रहता है तो अच्छा लगता है, कॉलोनी में कहाँ रहेंगे? हम बाहर के रहते तो चलो कॉलोनी में रहेंगे ऐसे के बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो गांव के ही, हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना बाल बच्चा लोग पकड़ के बताएंगे। तो आप लोगों को बोले नहीं कि अगर वहाँ कॉलोनी बनेंगे तो आप लोगों को कहीं रहने के लिए कुछ जगह देंगे? नहीं बोले, नहीं बोले हैं। लेकिन हम लोग चाहते ही नहीं कि वहाँ कॉलोनी बने, हम अपना घर में सुरक्षित हैं। कॉलोनी नहीं बनाना चाहते हैं, अपने घर पे ही रहना चाहते हैं। जी, चलिए और बात करते हैं लोगों से, बताइए बताइए दीदी। चलिए बताइए। और नाम रूपा भाई साहू है। हाँ। सब मानपुर नकटी से आए हैं। हाँ। और हम अल्लाह रहत रहा 40 साल हो गए। अब 40 साल में अब कहा थे विधायक बन रूम बन, विधायक बन मंत्रालय ऐसे की के हम अल्लाह जाके बहुत धमकी चमकी लगावा थे और कुछ भी बोलता तो हम अल्लाह अंदर कोतवाल गिरी से हमारे गांव के छेड़ी खेड़ी कोतवाल गिरी से। हाँ। और दो तीन जन पुलिस मंजूरी। तो सरपंच कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में? कुछ नहीं बोली सी। क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो भी तो वही रहते हैं ना बस्ती। हाँ, में कि अलग जगह पे रहते हैं? नहीं, अलग जगह में रहते हैं। हम आए है, बाकी सरपंच के ओकर पति आए। हाँ, सरपंच नहीं आए। गांव के आपके गांव के महिला सरपंच है? हाँ, पर उनके पुरुष आए है। हाँ, अभी दस्तखत मांगे हैं तब मोर भाई गाँव गए की ये माहौल ला देखी ना भाटा परक मन सब उजर के जाही क्योंकि तब मन भाई गाँव भर के। हाँ, तो अभी क्या बोले कलेक्टर आए हुए हैं तो आप लोग? अभी भेंट नहीं हुए कलेक्टर। अभी कलेक्टर अगर मिले चाहिए अभी इनसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ, तब हम अनोखे से 30-40 साल हो गए
तो हमन का लवनी उलवनी बनावन दान और हमन जतका दाई बाई अस्सी घर के हन ततका झन मेरे गुजारा करबो की के। कितना परिवार हो वहाँ पे आप लोग? 80 घर के हन। 80 घर के? हाँ। सबको पट्टा है आप लोगों का? पट्टा नहीं, लगानी जमीन हरे सियान मन पुरखक मन छोड़े रिस न घास के लिए। हाँ। वही जमीन में सब बसे नुकर बहु को नाती बहुत को नो कही वैसे वैसे बसे बसे पूर्वज के जमीन है। लेकिन पट्टा तो होगा अगर सियान मन कर पट्टी रखे तो आप लोग अपना अपना पट्टा अपने पास रखे आप लोग है ना। ठीक है अब हम तीन चार देर आन जेठान हन हमार जेठ मन कर रहा हम नहीं रखे तो हम जेठ मन कर रहा हमारे जेठ घर के आए अब हम सब जन ओकरे से हमन ला कोनो भूख लागत न प्यास लागत तीन दिन हो गए बड़े बड़े गाड़ी में जाते तान अब डर लागत देकर से हम आ हन कलेक्टर ऑफिस में। गांव के उप सरपंच है तो इनसे सुनते हैं। उप सरपंच है ये? मैं ग्राम पंचायत नट्टी के उप सरपंच मोर नाम चमेली साहू है। मतलब वहाँ मना 40 साल से बसे है बन तो वहाँ विधायक कलोनी बनाबो की के हे कराते धमकी चमकी लगावत है। हमन कहा था विधायक कलोनी नहीं बनावन हमन जतना परिवार वहाँ बसें तब ततना झन एक सुनता से रिबो की के यहाँ हड़ताल करे बर आए हैं। कलोनी बनाएंगे वहाँ पे तो आप लोगों को कहीं जमीन दे रहे रहने के लिए? अभी ओकर बारे बोलबे नहीं कराते हमन कलोनी बनाए चलन नहीं देव तन मान्यता ने ओकर कलोनी में हमन मंजूर नहीं है। अच्छा वहाँ कलोनी बनाने ही नहीं देना चाहते आप लोग? चलो अम्मा देख ये पुखा का जमीन है 40 साल हो गए हम लोग बसे और एक घर में 10 जन 20 जन परिवार है बच्चा लेके। जब पटवारी जाते तब तो ये होबे नहीं करते कोतवाल जाते है और वो जमीन लपूट जाये ऐसे कई कहा थे तो हमन हर डर में गरीब आदमी मन कहा जाबो उसका परिवार धर के हम अल्लाह कलौनी पसंद नहीं है हमार जगह हम अल्लाह बस ये हमार मन के पुरखा जमीन है हमार जगह में जौन है झोपड़ी है हमार मन बर महाल है हमन उतके में। ठीक लास्ट बोल दीजिए फिर इसके मोर नाम सती साहू है सम्मानपुर नक्की रिथान और वहाँ 40 साल से बसे है सब रिथान वहाँ मिलजुल के साथ और घर भी बना थे पहले भी बन गए है अभी भी बना थे तब आते गाड़ी में 5-4 गाड़ी में इसने आते सब देखे बार अभी मन हाँ धमकी चमकी लगा जाते तो मलंदर कर देबो इसे की थे हमन कहाँ जाबो हमन हमन के जमीन है रही है तो यहाँ नहीं रही तो हम कहाँ जाबो इसे की बोलता तो धमकी चमकी लगा तो हमन हमार पुरखा जमीन है हमार सियान मन छोड़े थी यहाँ हाँ बन और यहाँ उठाबो जैसन भी झोपड़ पट्टी चाहे हमन पक्की बना चाहे कच्ची बना जैसे भी गुजारा दाई दीदी जैसे है उसे हाबा है हमन हन अभी भी हमन मकान बनात हन ओकरे कारण अभी अधूरा छोड़ दे डर गए ना कर मन के हेल्प देख के धमकी चमकी लगा तब हम यह सील मार के दी अभी अधिकारी जो तब हम शांत रिबो और हमला हमार जमीने चाहिए हमारे दूसर हमला वाटर दी चाहे कलोनी दी हमला हम नला नहीं चाहिए हम के गुजारा नहीं होता हम कहाँ कलोनी रहे और हमला बार बार हो गई हमला झंझट करत आई हमारे 4-5 साल हो गए ही चीबा ले बात आवा से फिर आना फिर जाना सब तो यह हरना मजदूर सब लगान धाम के हे रही थे कमाबो तो खाबो गरीब आदमी है हमारा सील मार के दे दे तो हमारा मन हाँ अरिन छरीबो हमारा कोई जमीन के हमारा उसे नहीं है। ठीक आप लास्ट बता दीजिए दीदी। लास्ट का बताऊं दीदी बहुत परेशानी मान हम नकटी सम्मानपुर नकटी खरन सुनीता ना है सुनीता बंजारे एवन अधिकारी मन हाँ जाते कहाँ से जाते कर मन के पता नहीं हमन बात करना चाहता हम तो हमन मन से वो बात नहीं करा और कोई भी गांव में रहते हमन तो मजदूर आदमी कमाल चल देता और रहते वो मन जो कुछ बोलते तो मतलब सीधा धमकी चमकी लगाते कि तुम अभी अंदर होने का तो विधायक कलोनी के लिए हमार मुहेलाल चुनना तो हमन वो जमीन छोड़ना नहीं चाहता। ठीक तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने दिक्कत पे हैं और अपना जमीन वापस चाहते हैं।